Hello everyone and Assalamualaikum. So friends, after a long break, I am back. इसकी कुछ खास वजह नहीं, बस साथी तौर पे कुछ ऐसी मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं YouTube को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा। और आज की जो वीडियो है ये एक ऐसी जगह की है जो कि लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यकीन जानिए ये जगह वर्थ इट है। लाजमी इस जगह को विज़िट करने की लिस्ट में डालिए। जगह के बारे में मैं आपको बिल्कुल अभी बताऊंगा, लेकिन आज एक बड़ी ख़ास बात जहन में आ रही थी और सोचा आप सबके साथ वो बात भी शेयर कर दूं। बैक इन ईयर 2020 और ऑनवर्ड मैंने जब ये चैनल बनाया तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बड़ी मोटिवेशन दी और रोज़ ही मुझे कहते थे चैनल बनाओ। और चैनल बनाने का मकसद कोई मोनेटाइजेशन टारगेट्स नहीं थे, इनफैक्ट हम जस्ट पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहते थे। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के ज़रिए पॉजिटिविटी ही स्प्रेड की है और कोई कमर्शियल हम बात नहीं करते, और जो बात बताई वो अपनी दानिश में बिल्कुल सही बात पहुँचाई। तो उस दौरान हमारा प्लान बना था इस जगह पर आने का, और अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ नहीं आ सका। तो दोस्तों ये जगह है रास्ता टूवर्ड्स पंजपीर रॉक्स। तो पंजपीर रॉक्स जो हैं ये तहसील कहूटा में है, और गूगल मैप्स पे ये किस जगह पर है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल डाल दूंगा। लेकिन यकीन जानिए आप जो साउथ अफ्रीका की वीडियोस देखते हैं और दुनिया के दूर दराज के ममालिक जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और वो ऐसे बड़े बड़े रॉक्स को देखते हैं और हैरान होते हैं, यकीन जानिए इस्लामाबाद से जस्ट 2 hours अवे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप लाजमी जाएँ और यहाँ पर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ कम मिलेंगी, आपको अपने साथ अपना बंदोबस्त खुद करके जाना है। लेकिन जिस तरह आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कंप्लीट पत्थर है और पत्थर के अंदर से बड़े बड़े दरख्त निकलते हैं, और यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, लेकिन उस वाटरफॉल में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर स्विमर नहीं हैं तो आप जाएँ, क्योंकि वो एक डेंजरस हो सकता है आपके लिए, लेकिन दूर से देखने में कोई मज़ायका नहीं। तो मैं तो अपने किसी काम के सिलसिले में गया था, लेकिन जब इसकी खूबसूरती मैं इस जगह की देखता हूँ उसी वक्त फिर मैंने ये इरादा कर लिया कि यार क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड कर लें और यूट्यूब पर ये एक छोटे सा एक वीडियो क्लिप अपलोड कर दें, आने वालों के लिए एक आइडिया हो जाता है। और जिस तरीके से मेरी कुछ वीडियोज़ हैं उसको देख के लोगों ने बहुत अप्रिसिएशन दी, खास तौर पे जो मेरी कलाम वाली वीडियो थी, तो आप सब लोगों के जो कमेंट्स हैं वो बहुत हौसला अफजा होते हैं। बाकी जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है ये तो आप समझें कि इसका 10% भी खूबसूरती नहीं है, जो आपकी आँख से आप मुशाहिदा करेंगे इस जगह का वो एक बहुत ही डिफरेंट होगा। तो यहाँ की टिप्स यही हैं कि जब आएँ तो अपने साथ ज़रूरी साजो सामान लेकर आइए, क्योंकि ये कोई बहुत कमर्शियल जगह नहीं है। यहाँ आने के लिए डेफिनेटली आपको पिंडी से ही आना पड़ेगा, तो वहाँ से आने के लिए जो बेस्ट वे है वो गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर से OPF सोसाइटी को क्रॉस करते हुए एक सिंगल पुल आता है चकियाँ पुल, उसको आप क्रॉस करेंगे और तहसील कहूटा में एंटर हो जाएंगे। बाकी आप मैप के ऊपर ये जगह लगाएं डेस्टिनेशन, जहाँ से भी आ रहे हैं आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हाईली रिकमेंडेड प्लेस, और लाजमी आइए। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया गाइज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।